राम राम सभी को। SP एम्ब्रॉयडरी एंड क्लॉथ हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए मशीनी वर्क के बहुत ही प्यारे प्यारे सूट लेके आई हूँ। पहला सूट रहेगा हमारा बेबी पिंक कलर पे, मजेंटा कलर से वर्क है, मिरर वर्क रहेगा। ये वर्क रहेगा इसके घेरे के ऊपर। ये 5 लाइन मिरर वर्क की हुई हैं। 5 से एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी करवा सकते हैं। और ये वर्क रहेगा इसके गले पे, गले पे भी हमने मिरर वर्क ही किया हुआ है। ये वर्क रहेगा इसके गले के ऊपर और ये रहेगा घेरे के ऊपर। मिरर वर्क है और कस्टमर ने बाजू नहीं बनवाई क्योंकि वो स्लीवलेस डालते हैं, तो सिंपल घेरा और गला करवाया है, बाजू नहीं करवाई। बाजू पे भी मिरर की 2-2 लाइंस आती हैं। अगर आपको बाजू करवानी है तो आप बाजू भी करवा सकते हैं। आज की वीडियो का दूसरा सूट भी रहेगा हमारा मिरर वर्क का, जिसे हम बोलते हैं चांद वाला वर्क। ये देखिए, ये आधा चांद वाला वर्क बोला जाता है इसको। बीच में मिरर लगे हुए हैं, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये चाक बाजू का डिज़ाइन रहेगा। इसको आप आगे पीछे करवाते हैं तो और भी खिल के आता है सूट, और भी अच्छा सूट बनता है। ये कस्टमर ने अपनी पसंद से आगे आगे करवाया है। बाजू पे भी रहेगा इस पर, ये एक एक चांद बाजू पे रहेगा। लुक देख सकते हैं आप सूट की। आज की वीडियो का लास्ट सूट रहेगा ये हमने घेरा बनाया है और घेरा बनाने के बाद पूरे सूट में छोटी छोटी डॉट्स डाली हुई हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स से डाले हुए हैं। ये जो नीचे घेरे में डिज़ाइन है वही हमने छोटे छोटे अलग करके बूटी टाइप में पूरे सूट में डाली है। ये देखिए, इसमें भी बाजू नहीं करवाई कस्टमर ने। पेमेंट ऑनलाइन रहेगी, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आज की वीडियो में जो 3 सूट मैंने आपको दिखाए उनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आता है और आप रेडी करवाना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं और अपना सूट रेडी करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, सूट्स के डिज़ाइन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ता है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नए डिज़ाइंस के सूट हम लेके आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप देख पाएँ। आज की वीडियो में सबसे अच्छा सूट आपको कौन सा लगा, कौन सा वर्क आपको पसंद आया वो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।